नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ कंचन। जिला प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त कार्यवाही एप्पल हॉस्पिटल के पास मुख्य सड़क पर किया था कब्जा। कॉलोनी के रहवासियों की मुख्य रोड हो गई थी ब्लॉक। पूर्व में एप्पल हॉस्पिटल के समीप प्लॉट से हटाया था कब्जा, अब उन्हीं ने रोड पर जब कब्जा किया। कलेक्टर के निर्देश पर SDM घनश्याम धनगर ने कार्यवाही की। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि इंदौर जिला प्रशासन और नगर निगम अवैध अतिक्रमण पर कार्यवाही जारी है। कई जगहों पर जो अवैध अतिक्रमण कर रखे हैं उनको चिन्हित करके नोटिस दिए हैं और उनके ऊपर भी कार्यवाही की जाएगी। नल के पास जो अवैध अतिक्रमण है उनको भी हटाया जाएगा, कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया। सर्वानंद नगर में एक जो अवैध हॉस्टल निर्माणरत था उसको तोड़ने की कार्रवाई करी गई और 7-8 हमने और ऐसे प्रगतिरत वहाँ पर निर्माणरत देखे हैं जिनको नोटिस देकर हटाने की कार्रवाई करी जाएगी। इसके साथ साथ आज एक भवन कुआं पे जो कार्रवाई हुई है, पहले भी उसकी शिकायतें रही हैं कि कई सारे जो निजी प्लॉटों का रास्ता था उसको ही ब्लॉक कर दिया गया था और बार बार रहवासी शिकायत कर रहे थे, जिस संबंध में आज हमने कार्रवाई करी है। नदी के दोनों तरफ का जो 30 मीटर का एरिया है जिसके संबंध में स्पष्ट निर्देश हैं NGT के, उनको हटाने की भी कार्रवाई शुरू करी जा रही है। कबूतर खाना में हम लोगों ने नोटिस दिए हैं और आगे भी जो बाकी के स्टेजेज हैं उन पे भी कार्रवाई करी जाएगी। टाइम न्यूज़ देखिए अब आप।